नेक्स्ट 8.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड करना है sin a secant a. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं. हमारे पास क्या गिवन है, 15 cot a इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास गिवन है. यहां से cot a की वैल्यू आ जाएगी, cot a आ जाएगा 8/15. अगेन अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा ट्रिक फॉर्मूला हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. सोना से साइन, चांदी से कॉस एंड जो तोले से है वो टैन टी. इसके लिए मैंने फॉर्मूले के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, फर्स्ट वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन है, उसमें आप जो है डिटेल में इन फॉर्मूलों को अंडरस्टैंड कर सकते हो. अब जो टैन है हम जानते हैं इसका अपोजिट कोट होता है, दैट मीन्स कोट क्या होगा, बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो कोट होता है. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, लेकिन हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है. तो अगेन हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो कौन सा होएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. आप परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भी लिख सकते हो. बेस की वैल्यू जो हमें गिवन है वो 8 है. यस हम एक बात मिस कर रहे हैं, हम साथ में के लगाएंगे. हम एक रेशियोज में होती हैं ये वैल्यूज, हमें रेशियोज लगानी पड़ती हैं, तो हम के लगाएंगे. ठीक है, साथ में इसकी मैं एक जो है वीडियो बना चुकी हूँ कि क्यों के लेते हैं. ये आप के का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 15 के का स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 64 के स्क्वायर प्लस जो 15 का स्क्वायर है उसको भी हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 225 के स्क्वायर. और प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 289 के स्क्वायर. अब हमारे पास 289 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, आपको स्क्वायर्स थोड़े से जो है वो याद रख लेने चाहिए, कम से कम 20 तक तो आपको आने चाहिए. तो ये 17 का होता है, तो हम इसको 17 के होल स्क्वायर लिख देंगे. यहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आएगी हाइपोटेन्यूज की. तो हाइपोटेन्यूज की हमारे पास वैल्यू आ गई है 17 के. अब हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों चीजें जो है वो गिवन है, आ चुकी है हमारे पास, हम फाइंड आउट कर चुके हो. अब हम आगे फाइंड आउट करेंगे साइन ए. तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है पी अपोन एच, क्योंकि साइन होता है ये पहले, तो पी अपोन एच. परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने जो गिवन है वो है 15 के, हाइपोटेन्यूज की आती है 17 के साथ के कैंसिल हो जाता है और हमारे पास वैल्यू सिंपल आ जाएगी 15/17. इतना क्लियर है. नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड ए. हमें जो है फॉर्मूले अच्छे ढंग से जो है याद होने चाहिए, उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर लो, वहां पे फॉर्मूले हैं सारे के सारे जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ध्यान से करवाई गई है. ये देखो साइन का अपोजिट होता है कॉसिकेंड एंड कॉस का अपोजिट होता है सिकेंड. मैंने यहां पर लिख दिया, तो सिकेंड जो है वो आ जाएगा एच अपॉन बी, एच अपॉन बी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए. तो एच की वैल्यू हमारे पास 17 के है, बेस की वैल्यू हमारे पास 8 के है, के साथ के कैंसिल होने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 17/8. तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है.